वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फोटोशॉप की क्लास। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हेक्सागोनल के पैटर्न्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो आज हम हेक्सागोनल के पैटर्न्स क्रिएट करना सीखने वाले हैं। तो फिर हम सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं एक लेयर। हमने यहाँ पे लेयर क्रिएट करी, उसके बाद हम बैकग्राउंड लेयर को डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद इस लेयर पे हम कर लेंगे कलर फिल, वाइट कलर फिल करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, पेंट बकेट टूल सेलेक्ट किया और कलर फिल कर दिया। इसके बाद हम इसमें पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। जैसे हम रेक्टेंगल टूल आप देख रहे हैं, हम रेक्टेंगल टूल पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे आप पॉलीगन टूल है, पॉलीगन टूल सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास पॉलीगन टूल की टूल बार आ जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर को आप देखेंगे जो लिखा है साइड्स, साइड्स पे आप जितने भी साइड्स का जो शेप है वो क्रिएट करना चाहते हैं वो टाइप करेंगे। जैसे अभी हम बना रहे हैं हेक्सागोनल, तो उसकी 6 साइड्स होती हैं, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 6। टाइप करने के बाद यहाँ पे को आप क्रिएट करेंगे, जैसे यह हमने किया। इसके बाद आप इसमें कलर फिल करेंगे, जैसे हम इसमें कर लेते हैं ब्राउन कलर फिल। ब्राउन कलर फिल करने के बाद स्ट्रोक देना चाहते हैं स्ट्रोक दे सकते हैं, अभी हम इसमें स्ट्रोक नहीं देना चाह रहे। इसको करेंगे हम मूव टूल। मूव टूल पे देखेंगे ये हमारे जो टूल से ये एक्टिवेट अभी नहीं हुआ है, तो वापस से हम इसे सेंटर करने वाले हैं। तो हम जो हमने हेक्सागोनल क्रिएट किया है इसे हम सेंटर करने वाले हैं, उसके लिए हमें मूव टूल पे क्लिक करना है। मूव टूल पे क्लिक करने के बाद ये हमारे कुछ यहाँ पे को टूल्स हैं जो अभी वो नहीं हुआ है, एक्टिव नहीं हुआ है, तो हमें इसे सेंटर करने के लिए पहले लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो देखेंगे पॉलीगन 1 नाम से हमारी ये वाली लेयर क्रिएट हुई है, तो हम इसे सेंटर कर लेते हैं। कंट्रोल ए करेंगे तो लेयर सेलेक्ट हो जाती है। लेयर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो आप इसे करेंगे राइट टू टॉप टू बॉटम सेंटर एंड लेफ्ट टू राइट सेंटर। तो अभी पूरा सेंटर हो चुका है, टॉप टू बॉटम सेंटर हो चुका है, लेफ्ट टू राइट सेंटर हो चुका है। उसके बाद लेयर जो है इसे डी सिलेक्ट करेंगे, उस क्लिक करते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करके हमने लेयर डी सिलेक्ट करी। लेयर डी सिलेक्ट करने के बाद इसी में अगर हम पैटर्न्स क्रिएट करना चाहते हैं, कंट्रोल टी, इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं। मर्ज करेंगे इसकी वेथ और इसकी हाइट, इसके साइज को बढ़ा लेंगे। बढ़ा लिया, और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा लेते हैं, कंट्रोल टी, मर्ज करके साइज और बढ़ा ली। प्लेस किया, प्लेस करने के बाद इसी को हमें अगर पैटर्न में हम इसी को इतने को ही अगर हम पैटर्न में क्रिएट करना चाहते हैं, डिफाइन पैटर्न करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे पैटर्न पे क्लिक। पैटर्न पे क्लिक करके इसके स्केल को हम कम कर देंगे। तो ये एक पैटर्न हमारा रेडी है। इस पैटर्न में हम देखेंगे इस पैटर्न में हम देखेंगे जो भी हमने हमने हेक्सागोनल हमने क्रिएट किया था वो सिर्फ एक किया था। यहाँ पे आप देखेंगे हमने सिर्फ एक हेक्सागोनल जो है वो क्रिएट किया था, उसके बाद हमने उसे डिफाइन पैटर्न किया। डिफाइन पैटर्न करने पर वो पैटर्न में सेव हो गया, पैटर्न में सेव हुआ। उसके बाद हमने उसका पैटर्न क्रिएट किया, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर से हमने उसका पैटर्न क्रिएट किया, तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो इसी में अगर हम कुछ चेंज करना चाहें, जैसे इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ को हम छोटा कर देते हैं। यहाँ पे इसकी वेथ और इसकी हाइट को मर्ज करेंगे, इसके साइज़ को कर देंगे हम छोटा। साइज़ को छोटा करने के बाद इसी को हम कंट्रोल जे कर लेते हैं। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करेंगे इसका। अगर हम ऑफसेट करते हैं, फिल्टर पे जाएंगे, आप जाएंगे अदर्स पे। अदर्स पे जाने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है ऑफसेट का, ऑफसेट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद जो भी आपने जितने भी पिक्सल्स का आपका कैनवास क्रिएट किया है उसका हाफ आप डालेंगे हॉरिजॉन्टल में। जैसे हमने जो क्रिएट किया है हमारा कैनवास, वो हमने किया 5000, तो इसमें आएगा 2500, और वर्टिकल जो है उसमें भी आ जाएगा 2500। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद एक और अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे पहले हम इतने को ही डिफाइन पैटर्न करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर थर्ड नंबर पे पैटर्न, पैटर्न पे जाने के बाद इसका जो स्केल है उसे कम करेंगे। या तो हम इसके स्केल को, ये एरो है यहाँ पे, एरो की हेल्प से भी कम कर सकते हैं, या फिर इसके स्केल को हम यहाँ पे हमारे जो कीबोर्ड में एरो कीज होती है उसमें डाउन की से कर सकते हैं, या फिर स्केल है से सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट आप उतना नंबर डाल देंगे। जैसे मैं 50 डाल देती हूँ, तो
उसके बाद 50 डाला, उसके बाद हम इसके साइज को थोड़ा सा और कम कर लेंगे। तो ऐसे करके अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐसे करके भी क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले जो क्रिएट किया था उसमें जितने भी हेक्सागोनल्स थे वो सब लाइंस आ रहे थे, तो इस वाले में आप देखेंगे ये लाइन से तो आ रहे हैं लेकिन इनकी लाइन्स के बीच बीच में एक और हमारे जो हेक्सागोनल्स आ रहे हैं, जैसे 4 हेक्सागोनल्स हैं 1 2 3 4, तो इन 4 हेक्सागोनल्स के बीच में आप देखेंगे यहाँ पे को हमारे पास एक और हेक्सागोनल है। तो ऐसे ही ऐसे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसी में अगर कोई दूसरा करना चाहें, इसे डिलीट कर देते हैं, उसके बाद इस वाले को सिलेक्ट करते हैं, पॉलीगॉन वन वाले को, पॉलीगॉन वन वाले को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करने के बाद कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसकी हाइट और वेथ को उसको मर्ज करके उसके साइज़ को हम और छोटा कर देंगे। उसके साइज़ को छोटा करा, क्लिक करा, उसके बाद फिल्टर पर जाएंगे, फिल्टर पे जाने के बाद अदर्स पे जाएंगे, ऑफसेट पे जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल, इसका जो हॉरिजॉन्टल है वो हम हटा देते हैं, इसे कर देते हैं हम 0, वर्टिकल पे ही रखते हैं सिर्फ, वर्टिकल पे हाफ आप रखा, ओके पे क्लिक किया। उसके बाद एक ये भी आप ऐसे भी करके इसे कर सकते हैं, एडिट पे जाएंगे, डिफाइन पैटर्न पे जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, फिर करेंगे एडजस्टमेंट लेयर नंबर 3 पे पैटर्न आ जाता है, इसके साइज़ कम कर देंगे कम, इसके साइज़ को कम किया ये एक और बन गया। ऐसे ही अगर आपने जैसे अभी हमने साइज़ छोटा करके इसको रखा वर्टिकल, वर्टिकल में रखा, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल में रखना चाहते हैं तो आप जो यहाँ पे खाली स्पेस देख रहे हैं तो यहाँ पे को भी आ जाएगा। साइज़ और कम करते हैं, साइज़ और कम किया, अभी ये हमारा ऐसे आ गया। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो जो ये खाली स्पेस आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर को भी आपके जो है वो हमारे हेक्सागोनल्स आ जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे भी करते हैं जो हमारा ये वाला है इसे कम करते हैं, कंट्रोल कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, कंट्रोल जे हमने किया, कंट्रोल जे करने के बाद जाएंगे फिल्टर पे, ऑफसेट, ऑफसेट करके अभी आप सबकी अगर आईज क्लोज करते हैं तो आप देखेंगे जो हमने ऑफसेट करा था हमने इस वाले का किया था, इस वाले का जो यहाँ पर को है हाफ हाफ हो गया, इस वाले का हमने ऑफसेट किया, इस वाले को पहले हमने डुप्लीकेट किया तो वो हाफ यहाँ पे आया था और हाफ यहाँ पे, उसके बाद हमने उसको ऑफसेट किया, ऑफसेट करने के बाद जो हाफ था वो फुल हो गया है। तो इसी वाले को अगर हम फिर से ऑफसेट करेंगे, अब इससे पहले हमने वर्टिकल किया था अब हम हॉरिजॉन्टल करेंगे, तो हमने उस वाले को सिलेक्ट किया, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, अब जाएंगे अदर्स पे, उसके बाद जाएंगे ऑफसेट पे, ऑफसेट पे जाने के बाद अभी हमने हॉरिजॉन्टल किया था इसे हम कर देते हैं 2500 और इस वाले को हम कर देते हैं 0, ओके पे क्लिक करेंगे, वापस से जाएंगे एडिट डिफाइन पैटर्न, डिफाइन पैटर्न के बाद ओके, के बाद आएंगे एडजस्टमेंट लेयर पे नंबर 3 पैटर्न आ गया, पैटर्न पे आएंगे 100 से इसका स्केल जो है वो कम कर देंगे, ओके, वापस से देखेंगे 40 है इसका साइज़ और कम कर देंगे थोड़ा स्केल, तो अब देखेंगे जो हमारा खाली स्पेस था उसमें भी अब जो है हमारे पैटर्न्स आ गए हैं। तो ऐसे ही करके और भी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे एक हमारा ये क्रिएट हो गया, इसी में कोई दूसरा करना है वो कर सकते हैं, जैसे कोई इसका कलर चेंज करना है ये वाला हमारा है, इसी में हम अगर कलर चेंज करना चाहते हैं जो हमारा ये है ब्राउन वाला, इस वाले का कलर हम चेंज कर लेते हैं, पहले सिलेक्ट करेंगे हमारा टूल, पॉलीगन टूल सिलेक्ट करा, उसके बाद इसका कलर हमने कर दिया ब्लैक, ब्लैक कलर किया, इसको हम स्ट्रोक भी दे देते हैं, स्ट्रोक हम अगर दे देते हैं इस पर लाइट ब्लू या फिर येलो कलर का, इसका स्ट्रोक जो है थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जो हमारे ब्राउन वाले हैं उनका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्राउन वाले उनका हमने कलर जो चेंज करा, ये हमारे ऑफसेट करे वाले हैं इन्हें हम डिलीट कर लेते हैं, इस वाले का हम साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कोई अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं वापस से मर्ज करेंगे हाइट और वेथ को, उसके बाद इसके साइज़ को कर देंगे छोटा, इसके साइज़ को हमने छोटा किया। अभी हमने सीखा कि हम ऑफसेट करके कैसे कई सारे जो है वो पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, हमने 3 अलग अलग तरीक़ों से ऑफसेट करे थे। एंटर करेंगे, वापस से कंट्रोल जे कंट्रोल टी करेंगे,
फर्स्ट वाले पे हमने केवल हमने जो उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है दोनों पे ही ऑफसेट किया था, सेकंड वाले पे हमने उसका जो है उसको हॉरिजॉन्टल पे किया था, वर्टिकल पे किया था, और थर्ड वाले पे हमने किया था उसका हॉरिजॉन्टल पे। तो ऐसे ही हमारे तीनों जो पैटर्न्स हैं वो अलग अलग क्रिएट हुए थे। तो ऐसे ही हमें और भी पैटर्न्स क्रिएट करने हैं तो हम और भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद आप इसे मूव करना चाहते हैं, मूव टूल पे जाएंगे, उस लेयर को क्लिक करेंगे, उसे थोड़ा सा मूव कर लेंगे, फर्स्ट वाले को क्लिक करते हैं, उसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। पॉलीगन वन कॉपी वाली लेयर है, इसे भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इस वाले को भी थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। तो अगर इसका भी आप कोई पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं और इसमें भी अगर आप कोई कलर चेंज चाहते हैं, जैसे इसमें जो अगर आप इसमें चाहते हैं, जैसे जो तीनों हैं इनके कलर आप वाइट रख लेते हैं, वाइट कलर चूज कर लिया, स्ट्रोक इनकी है, स्ट्रोक हमने चूज करी ब्लैक, और उसमें स्ट्रोक जो है वो बढ़ा देंगे, ऐसे स्ट्रोक बढ़ाई। इसके बाद इसको वापस से करेंगे एडिट, एडिट जाएंगे, डिफाइन पैटर्न पे जाएंगे, डिफाइन पैटर्न पे जाने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करा, पैटर्न नंबर 5 से हमारा ये पैटर्न जो है वो सेव हो गया। इसके बाद जाएंगे पैटर्न पे, एडजस्टमेंट लेयर पे गए, पैटर्न पे गए, इसके बाद जो इसके स्केल है उसे कम कर देंगे, तो ये भी हमारा एक पैटर्न में आ जाता है। ऐसे ही कोई दूसरा पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं, अभी हमने इसमें ऑपेसिटीज की कम या फिर ज़्यादा नहीं करी है, ऑपेसिटी को कम करना है ज़्यादा करना है वो भी कर सकते हैं। किसी में अभी जो है हमने बॉर्डर दिया है, हमने इनमें वाइट कलर फिल किया है तो वो बैकग्राउंड से मैचिंग है, इनमें कोई सा अगर आप कलर देना चाहते हैं तो कलर दीजिए, या फिर कलर नहीं देना चाहते हैं प्लेन ब्लैक बनाना चाहते हैं जिसमें ऑपेसिटी नहीं देना चाहते तो स्ट्रोक नहीं देना चाहते तो स्ट्रोक मत दीजिए, बिना स्ट्रोक दिए बनाइए तो वो जो कलर है वो सिर्फ सिंगल कलर में आएगा। अभी हम उसमें स्ट्रोक भी दे रहे हैं तो फिर वो डबल कलर में आ रहे हैं, जैसे अगर हम रेड में ब्लैक या ब्लैक में रेड या फिर कोई दूसरा कलर दे रहे हैं तो वो डबल कलर में आ रहा है। अभी बिना स्ट्रोक के देना है तो वो बना लीजिए, जैसे अगर हम इसमें जो फर्स्ट वाली लेयर है इसे डिलीट कर लेते हैं, फर्स्ट लेयर डिलीट करी, लेयर डिलीट करने के बाद इनके कलर जो है हम पूरे ब्लैक करना चाहते हैं तो फिर सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ तीनों को सिलेक्ट करा, कलर्स इनके जो हैं वो चेंज कर लिए, जैसे ब्लू ले लेते हैं, ब्लू लिया, स्ट्रोक अगर अभी सेम है तो फिर आप ले या फिर ना ले, अगर आप नहीं भी लेते हैं तो फिर क्योंकि कलर जो है वो सेम है। इसी में बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो फिर बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर लीजिए, जैसे बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चेंज होगा, बैकग्राउंड का जो कलर है हम वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड का कलर भी हमने चेंज कर लिया, बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसी में कोई दूसरा कलर डालना है आपको, बैकग्राउंड में दूसरा डालना है या फिर जो हमने शेप्स क्रिएट किए हैं हेक्सागोनल के इनके चेंज करने हैं आप वो चेंज कर लीजिए, जैसे बैकग्राउंड भी ब्लू हो गया, अगर इसमें बैकग्राउंड हमें ब्लैक देना है, ब्लैक कलर चूज करें, ब्लैक कलर चूज करने के बाद इनका कलर चेंज कर लिया बैकग्राउंड का। उसके बाद इसी में इसको आप पैटर्न दे सकते हैं या फिर इसी में आपको कुछ और चेंजेस करने हैं, जैसे जो आपने इनका जो ऑपोसिटी है तीनों की ही कम करनी है, इनको जो है थोड़ा सा मूव करना है, मूव करके आप इधर उधर लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे। अभी हमारी जो है बैकग्राउंड वाली लेयर सिलेक्ट हुई थी तो मूव टूल हमने क्लिक करके मूव किया तो जो हमारा बैकग्राउंड था वो मूव हो जाता है। तो ऐसे ही कोई दूसरा मूव करना चाहते हैं तो उसे मूव कर लीजिए, जैसे इस वाले को हम यहाँ लेके आ जाते हैं, ऐसे ही हमें जो है फर्स्ट वाला और थर्ड वाला कंट्रोल के साथ करेंगे तो वो दो लेयर हमारी जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं। वापस से करेंगे कंट्रोल जे और कंट्रोल टी, कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट किया, कंट्रोल टी से हमने सिलेक्ट कर लिया, तो इसको थोड़ा मूव कर लेंगे, मूव करके हम नीचे लेके आए, एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इस वाले को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, इस वाले को भी थोड़ा सा मूव कर लेते हैं,
ऐसे ही कोई दूसरे क्रिएट करने हैं तो दूसरे भी कर सकते हैं, कलर चेंज करने हैं कलर चेंज कर दिए, किसी की ऑपेसिटी को कम या फिर ज़्यादा करना है, जैसे बीच वाला है इसको अगर हम कलर जो है थोड़ा सा ब्राइट रखना चाहते हैं तो फिर इसका कलर हम वाइट कर लेते हैं, वाइट इसके कलर को कर लिया, वाइट कर लिया, इनके कलर को भी चेंज कर लेते हैं। वापस से जाएंगे एडिट पे, एडिट पे जाएंगे, डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे, डिफाइन पैटर्न पे क्लिक किया, ऑपेसिटी किसी की कम करनी है तो आप किसी की ऑपेसिटी को भी कम कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे जो है वो वाइट वाला जो है इसकी ऑपेसिटी को कम कर लेते हैं, जितनी कम करना चाहते हैं उतनी कम कर सकते हैं। अभी ग्रे कलर में आ गया तो फिर हम वापस से जाएंगे एडिट पे, एडिट पे जाके डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे, ओके आएगा, ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करा, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे, फिर आ जाते हैं पैटर्न में, जो ये पैटर्न है हमारा डिफाइन पैटर्न करने के बाद पैटर्न में सेव हो गया, इसकी ऑपेसिटी को हम कर लेते हैं कम, सॉरी इसका स्केल को हम कर लेते हैं कम, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपका एक और जो है वो पैटर्न रेडी है, इसी में आप ऑफसेट करना चाहते हैं या फिर इसी में कोई दूसरा क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे इसी को अगर हमें और छोटा साइज का करना है तो हम क्या करेंगे, हमने एक पैटर्न तो क्रिएट कर लिया, इसी पैटर्न को हम फिर से डिफाइन पैटर्न पे कर लेंगे, इसी पैटर्न को हमने किया डिफाइन पैटर्न, ओके का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे, उसके बाद वापस से एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे। अभी हमने सिर्फ 5 क्रिएट किए थे ये वाले, तो इन 5 को क्रिएट करा, इन 5 को क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, इन 5 को क्रिएट किया, उसके बाद हमने इनका पैटर्न बनाया, तो ये पैटर्न में छोटा हो गया, फिर इस पैटर्न को भी हमने वापस से डिफाइन पैटर्न कर लिया, तो इसको भी डिफाइन पैटर्न कर लिया, तो अब ये हम इसका साइज जो है वो और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं। जैसे ये अभी हमने जो इससे पहले किया था उसके साइज को हमने फर्स्ट में जो क्रिएट किया था उसके साइज को हमने 50 रखा था, तो वो हमारा जो एक हमारे कैनवास पे 4 आ रहे थे, अभी उसे डिफाइन पैटर्न करने के बाद हमने वापस से इसको जो स्केल है वो 50 पे रखा, तो इनके साइज जो है वो और छोटे हो गए। तो ऐसे ही डिफाइन पैटर्न करने के बाद आप देखेंगे तो उसके बाद भी आप डिफाइन पैटर्न करते हैं, एक बार डिफाइन पैटर्न करने के बाद हमने पैटर्न क्रिएट किया, फिर से आप डिफाइन पैटर्न करेंगे तो फिर से डिफाइन पैटर्न करने के बाद हम उसके साइज को जो है वो और कम कर सकते हैं। तो ऐसे ही किसी में ऑफसेट करिए, किसी में इनके जो ऑपेसिटी है उन्हें कम करिए, किसी में इनके कलर चेंजेस करिए, इनके साइज को चेंज करिए, ऐसे ही आप और भी क्रिएट कर सकते हैं, कई सारे कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, थैंक यू।